ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। बायोटेक में कुछ और नई बातें करते हैं आज, और स्पेशली मेरा टारगेट रहेगा आज आप लोगों को जो एथिक्स वगैरह वाला पार्ट है वो तो हम करेंगे ही, साथ में स्पेशली मेडिसिन का रोल कहाँ कहाँ पर है बायोटेक में, हम इस पर स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम अनुराग है और बायोलॉजी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। फायदा ये है कि इस पर PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ATSR कोड यूज करना है जब भी स्पेशल क्लासेस आप लोग करेंगे। फ्री क्लासेस हैं मेरी रेगुलर बेसिस पर, आफ्टरनून में क्लास कर रहा हूँ, जैसे 3 बजे आज क्लास थी हम लोगों की। तो ATSR कोड यूज करके आप लोग साथ में जुड़ें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू रखें। राइट, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, पूरी तरह से फ्री क्लासेस है। साथ में बच्चों आप लोगों के लिए एक बार फिर से ये हम लोगों ने ऑफर स्टार्ट किया है, 20% ऑफ। राइट, तो 20% ऑफ मिलेगा आपको अनअकैडमी के सब नीट के एग्जाम में 9 महीने बाकी हैं, उन 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत नॉमिनल से चार्जेस देने हैं, लाइक 30,000। यस, जो 37-38,000 था वो सिर्फ 30,000 में आपको मिल रहा है, तो आपके लगभग 7 से 7,500 रुपए डायरेक्ट बच रहे हैं सेविंग में। राइट, और फायदा ये है कि आप 9 मंथ तक अनअकैडमी के साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो पहले 62,000 63,000 में था, अब वो 12,500 रुपए कम होकर 50,000 में। बट इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये सिर्फ 30 तारीख तक वैलिड है, इस मंथ तक वैलिड है ये चीजें, तो अभी भी अगर नहीं ले पाए हैं तो जरूर से जरूर करें। क्लियर, डन है। मेरी वॉइस ठीक है, मुझे लगता है शायद वीडियो थोड़ा, 1 सेकेंड बच्चों। ओके सो अभी अभी ठीक है आई थिंक। तो मेन चीज यहाँ पर क्या होगी कि आप लोगों को ये 20% ऑफ सिर्फ इस मंथ के है ना उसमें मिल रहा है। राइट, अभी इसी मंथ में आपको चीजें मिल रही हैं, वो पास 30 तक का ऑप्शन है, 30 ये जो सितंबर है, तो यहाँ तक आप लोग अपनी पॉसिबिलिटीज को बना लें। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर CBSE का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है। कैसे, चलो बताते हैं। एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लस का 43,700 है, 500 रुपये ऐड करो, इट बिकम क्या भाई, एक साल का होना चाहिए। अब आप देखो ये प्लस ये ऐड कर दो कितना होना चाहिए भाई, होना तो चाहिए 66,000, बट ये फिर भी सिर्फ 35,000, कितना सस्ता हुआ, फ्री में मिल गया आप तो, ये तो फ्री में मिल रहा है एक तरह से। राइट, एंड द बेस्ट थिंग 34% ऑफ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 68,700 का है वो अब आपको CBSE का जैसे ही ऐड करोगे इट बिकम 55,000। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल फॉर्म में आपको चीजें मिल रही हैं। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया बच्चों, जरूर से जरूर कर लो। कब कब है, 8 को और 15 अक्टूबर को है। 150 करोड़ की स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। टॉपर है तो यूरोस्पेस सेंटर जाने का मौका मिल रहा है, स्पेशल रैंकर ग्रुप में ऐड होने का मौका मिल रहा है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज। सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट होगा और पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी आपको। राइट, तो स्टार्ट करें हर चीज, आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 30 सितंबर से। राइट, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। यस, फायदा क्या है भाई ऑफलाइन पढ़ने का, आपके सामने टीचर्स होंगे, आप उनसे डाउट ले सकते हैं, बहुत से फर्क पड़ जाते हैं, कोटा, लखनऊ, नोएडा, पटना। राइट, हर जगह नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। राइट, तो कोटा, नोएडा और पटना के बैचेस के कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने, और चलो पढ़ के शुरू करते हैं, है ना। कहानियां क्लियर हैं, ऑल ओके, डन, चलो जी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कहानियों को आगे, बायोटेक्नोलॉजी हमने सीख ली, समझा कि थियरी में एग्जैक्टली हो क्या है, बट इसके और क्या हम यूजेस हैं, हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात हमें करनी है वो है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। राइट, मेडिकल फील्ड में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें पता है किसी भी एक MBBS पर्सन को PCR चलाना कई बार टफ लगता है, लेकिन इसको ह्यूमन के बारे में ज्यादा पता है, तो अपनी एक्सपर्टीज है। तो रिसर्चर क्या करता है, उसके लिए रिसर्च करता है, और वो दवाइयां, वो चीजें जो भी रिसर्चर ने डिस्कवर की
एक एमबीबीएस एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता, तो ये पूरी साइकिल है, इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंसी। अब दवाइयां ऐसी, मान लो किसी पर्सन को, समझना मेरी बात, डायबिटीज है ना, डायबिटीज की बात करें तो इसका मतलब उसकी बॉडी डायबिटीज स्पेशली इंसिपिडस की बात कर रहे तो, या चलो मेलिटस की बात कर लेते, चलो मेलिटस की बात कर लेते, तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है। अगर हम उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन दे दें आर्टिफिशियली बनाकर, तो एक तरह से दवा की तरह काम हुआ कि नहीं, है ना? बातें समझ पा रहे हैं? हाँ यार, बातें समझ में आ रही हैं, यस। ये बेसिक चीज है, थेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह है ना, की बातें हो रही। एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर अच्छा पहले क्या होता था पता है तुम्हें, इंसुलिन जो है ये हम काऊ का या पिग का, इनका निकाल कर ह्यूमन में डाल देते थे, बट वो नॉन ह्यूमन प्रोटीन है तो हमारी बॉडी में वो एलर्जी कॉज करते थे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, सुनना मेरी बात, हम जब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बनाते नहीं, तो उसमें किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। बातें समझ पा रहे? एलर्जिक रिएक्शन, ये बेसिक चीज है ना, बेसिक फंडा है जो आपको याद, बेसिक चीज है। अब ये डाटा है जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए, ये डाटा है, क्या है डाटा? अभी तक कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है अप्रूव हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 30 हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड की बात हो, इंडिया में 12 ऐसे मार्केटाइज हो रहे हैं, इंडिया में ऐसे 12 ड्रग्स हैं जो प्रॉपर, तो ये डाटा है, इसको याद करना ही पड़ेगा, है ना? ये डाटा है, आपको इसको स्पेशली याद करना ही पड़ेगा। अलग अलग एप्लीकेशन से इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसको मेरे तरीके से सीखो, जरा ध्यान से समझना, फिर इसके बाद थीरी तो वैसे भी, लैंग्वेज तो मैं तो समझा ही दूंगा, कंसेप्ट समझना। पर्सन को डायबिटीज है, बातें समझ पा रहा? पर्सन को क्या है बच्चों, डायबिटीज, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझो, डायबिटीज का डायरेक्ट मतलब हुआ कि पर्सन का जो पैंक्रियाज है उसके, ध्यान से समझना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में दो पार्ट होते हैं, एक्किनी और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस के अंदर 4 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, हम सिर्फ बीटा सेल की बात करते हैं, स्पेशली बीटा सेल्स जो है ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और इसके अंदर कुछ जीन्स में डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा। बस इतना सा लॉजिक पहले समझ लो। इंसुलिन का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी का उसको ये इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड से ग्लूकोज का अमाउंट कम कर देता है, तो हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता, ब्लड में ज्यादा जो है शुगर नहीं रहता जिसकी वजह से सेल्स डैमेज नहीं होते, इसके भी रीजन होते हैं ना, आप ऐसे समझो, ये देखो सेल है और इसके बगल से ब्लड कैपिलरी मतलब जा रही है और इसमें बहुत सा शुगर है, तो ये क्या करेगा, आसपास के सेल्स का पानी खींच लेगा जिसकी वजह से सेल्स डेड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो हाइपरटोनिक है, ये सब तो कंसेप्ट पता ही होते हैं। तो ये बात कर, इस बात को ध्यान से समझना है ना, तो मेन फंडा यहां समझ पा रहे, लॉजिक समझ पा, छोटी सी बात है, कंसेप्ट की बात है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, कम नहीं करता, ये मत लिखेंगे कभी, है ना, ग्लूकोज बैलेंस करता है, कब तक, जब तक बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरा सा भी शुगर खा लिया, बॉडी में एक्सेस में ग्लूकोज चल रहा है, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली जिसमें सबसे खतरनाक हार्ट अटैक। हमने इसको बनाया कैसे, ये थोड़ा सा समझे, है ना, जगह है, हमने इसको बनाया कैसे, इसको समझते हैं। पहले हम इसको गाय भैंस है ना पिग इन सबसे देते थे, बट वो एलर्जी कॉज करता था क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन। हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम,
हमने ये बीटा सेल लिया, कहाँ का? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस का बीटा सेल लिया। तो बीटा सेल से क्या निकाला? इंसुलिन की जीन कट की, कट हो गई, राइट। इस जीन को हमने किस में डाल दिया? बैक्टीरिया में डाल दिया, इन बैक्टीरिया यूजिंग प्लाज्मिड, ठीक है, यूजिंग व्हाट? प्लाज्मिड, क्लियर है। अब प्लाज्मिड में डाला, तो प्लाज्मिड जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो निकल कर आएगा इंसुलिन, बट इंसुलिन के साथ में एक प्रॉब्लम। इंसुलिन बनती है किससे? अल्फा चेन, बीटा चेन और साथ में सी पेप्टाइड। पेप्टाइड प्रोटीन ही होता है, अल्फा बीटा और सी पेप्टाइड। बातें समझ पा रहा? छोटी छोटी चीजें, बट जब भी सी पेप्टाइड होगा तो क्या होगा? जब भी सी पेप्टाइड होगा तो क्या होगा पता है? ये इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव का मतलब अभी ये फंक्शनल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आई। तो इसके बाद एक कंपनी आती है, कंपनी का नाम क्या है पता है? इलाई लिली कंपनी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव इंसुलिन है, तो काम ही नहीं करेगा, आप कितना भी इंजेक्शन दे दो। तो ये यूएस की कंपनी है इलाई लिली, इंडिया में अभी भी है इलाई लिली कंपनी, ये आती है। और इसने बताऊं क्या किया था, है ना, इसने क्या किया? इसने अल्फा चेन को, ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन, इसको डिफरेंट बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया है ना, डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्रो किया, और इसको डिफरेंट, है ना, डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्रो, अलग अलग बैक्टीरिया में ग्रो करने के बाद सेम मेथड, अल्फा चेन अलग निकाली, बीटा चेन अलग निकाली, उसके जीन को और वहां ग्रो किया। इससे क्या हुआ? अल्फा पेप्टाइड बना, बीटा पेप्टाइड, और इसको फिर हमने अटैच कर दिया डाइसल्फाइड लिंकेज से, डाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच कर। इस मेथड से ये क्या बन गया? एक्टिव इंसुलिन बन गया। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इंसुलिन जब हमने पहले बनाया तो उस टाइम हम इसको उस टाइम ये इनएक्टिव क्यों था? तो क्यों, क्या बोलेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी पेप्टाइड, इसको याद रखें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड की वजह से इनएक्टिव था। हमने क्या किया? अल्फा अलग बीटा अलग। कहानी समझ पा रहे हो? हाँ या नहीं? कहानी समझ पा रहे हो बच्चों? बिल्कुल छोटा सा फंडा, छोटा सा क्लियर कट चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी तक बता बताओ। डन डन डन, अभी तक में सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों? चल, ये कहानी आपकी हो गई क्लियर, यहां तक की बातें हो गई हैं पूरी तरह से क्लियर, तो आगे फिर पढ़ते हैं। ये बातें अगर हो गई हैं क्लियर तो फिर आगे, तो यहां पर प्रॉपर लिखा भी हुआ है, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, हमने ये पता ही लगा रखा है। तो हमने क्या किया? अल्फा चेन और बीटा चेन, ये भी लिख दिया अल्फा चेन और बीटा चेन, और उसको कैसे जोड़ा? डाइसल्फाइड लिंकेज से, राइट, कैसे? डाइसल्फाइड लिंकेज से, क्लियर। पहले जो इनएक्टिव हार्मोन बना था, क्यों? क्योंकि उसमें सी पेप्टाइड थे। बाद में उसको हमने मैच्योर कैसे किया? फिर सी पेप्टाइड को अलग कर दिया, और इलाई लिली कंपनी ने इसको, 1983 की बात है, अमेरिकन कंपनी है, अल्फा चेन और बीटा चेन को आपस में जोड़ दिया, है ना, यूजिंग डाई सल्फाइड लिंक, ईकोलाई के अंदर ये सारी चीज। तो इस तरह से हमने ह्यूमन की
जीन से ही ह्यूमन की इंसुलिन को बनाया। लॉजिक समझ गए? ये छोटी सी चीज है जो आपके बोर्ड्स में भी पूछी जाती है, वैसे भी आपसे पूछ ली जाती है ना, छोटी सी चीज है जो बोर्ड्स में भी पूछ ली जाती है और वैसे भी आपसे पूछ ली जाती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं है। क्लियर था? तो जीन डिफेक्ट वगैरह की। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में बच्चों क्या है, दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। ये भी एक मेडिसिनल मेथड है। इसमें अशांति डिसल्वा नाम की बच्ची, जो उस टाइम 4 साल की थी, अब तो बड़ी हो गई, 1990 की एज है, तो उस टाइम कितने साल की होगी, 2000 कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 2022 ये हो गया, तो कितना आपके 1990 की बात हो, कितना हो गया भाई, 32 साल की हो गई। हाँ जी, 32 साल की बच्ची होगी, तो अभी तो 32 इयर्स की हो, अभी तो बहुत उम्र हो गई। बट पहले इस बच्ची को, है ना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, हम यही पढ़ते हैं ना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, अभी वो ओल्ड गर्ल कितनी बड़ी हो गई ये भी तो देखना हो। क्लियर? तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडिनोसिन डी एमिनेज प्रॉब्लम। अच्छा, होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें ADA जीन होती है, फुल फॉर्म तुम्हारे सामने लिखा है, एडिनोसिन डी एमिनेज, राइट? क्या एडिनोसिन डी एमिनेज, छोटी सी बात। और ये जो एडिनोसिन डी एमिनेज है, ये एडिनोसिन डी एमिनेज जो है, ये हमारे बी सेल्स को, बीटा सेल जो ये बी सेल्स है, उसको एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगा, एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगा। बात समझ पा रहे? बिल्कुल छोटी सी चीज, एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगा, छोटी सी चीज। बट अगर ये जीन ही नहीं है भाई साहब, तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम खत्म हो जाए, एग्जैक्टली लाइक एड्स। इम्यून सिस्टम है ना वीक हो गया, खत्म हो गया, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते। तो अब क्या करेंगे, सेम मेथड, इसकी जीन लेंगे भाई साहब, ADA जीन लेंगे। सबसे पहले कैसे किया था, पहले ये बता। ADA जीन में हमने क्या किया, उस बच्ची के बोन मैरो से हमने सेल्स निकाले, ठीक, बोन मैरो सेल्स निकाले, और उसके अंदर सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर हम रेट्रोवायरस की मदद से, किससे, रेट्रोवायरस की मदद से हम क्या करेंगे, जीन डाल देंगे। तो ADA जीन है ना, बाय रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरल मेथड, ये याद रखना। तो रेट्रोवायरस की मदद से हम क्या करेंगे, इस बोन मैरो के अंदर चीजें डाल देंगे ना। अब इस सेल को मल्टीप्लाई करें, तो देखो सबसे पहले क्या किया, लिम्फोसाइट कलेक्ट किया उसके ब्लड से, वही जो बोन मैरो सेल्स हैं उसको याद कर लें। फिर उसके अंदर क्या है, ADA जीन डाल दी, राइट, रेट्रोवायरल मेथड से, और फिर उसको दोबारा से पेशेंट में डाल दिया, उसको मल्टीप्लाई करवा। बट इसके लिए उसको बार बार आना पड़ता था, जब उसके WBCs बोन मैरो सेल्स मर जाएंगे फिर से उसको आना पड़ेगा। तो अगर हम ये चीज है ना किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल दें, बचपन में ही डाल दें, तो उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो परमानेंट क्यों हो। ये दो चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी है, स्पेशली कहानी समझ पा रहे, बेसिक फंडा समझ पा रहे। इसके अलावा और कौन से मेथड है जिससे हम जो है मेडिसिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको PCR बताया था, ELISA बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बातें समझ में आ रही, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बड़ी कंसेप्चुअल आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्चुअल यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है, आसान है, डन है, कोई कंफ्यूजन। तो ये देखो, ये PCR मशीन है, मैंने बताया था ना, 2.5 लाख रुपए से शुरू होता है, 1 लाख 2 लाख से, काफी महंगी मशीन आती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की और मल्टीप्लाई। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, PCR के क्या क्या फायदे हैं, अगर कोई पूछे, राइट, तो PCR के एग्जैक्टली क्या क्या फायदे हैं,
आप इससे HIV डिटेक्ट कर सकते हैं एड्स पेशेंट जो होते हैं, हम इससे जीन म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्लिक कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? छोटी छोटी चीजें, जितना ज्यादा सिंपलेस्ट इसको फॉर्म में समझोगे उतना अच्छा है तुम्हारे। क्लियर है? जितना ज्यादा सिंपल तरीके से समझोगे उतना अच्छा। डन है भाई, डन है, डन। तो ये कुछ बेसिक से फंडे हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। देख रहे हो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग विथ रेडियोएक्टिव प्रोब। याद रखना, व्हाट इज प्रोब का क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज प्रोब? तो प्रोब क्या है? रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसके थ्रू हम कल डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहां पर मॉडिफिकेशन है, कहां चेंजेस हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रोब कैन बी डिटेक्टेड बाई ऑटो रेडियोग्राफी। प्लीज इसको याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? ऑटो रेडियोग्राफी। बातें समझ में आ रही हैं, कहानियां समझ में आ रही हैं। डन 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 डन। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि किसी में चेंजेस हैं या नहीं। एलाइजा मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर किसके किसके बीच में, क्या ये एलाइजा की बात हो रही है। तो यहां पर हमेशा एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन जुड़ते हैं, एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन जुड़ते हैं, उसके बेसिस पर वो कलर प्रोड्यूस करता है। और वो कलर ही क्या कर रहा था, वो कलर क्या कर रहा था, प्रॉपर ध्यान से समझना। उस कलर की वजह से हम पता लगा पाते हैं कि उसमें एड्स है या नहीं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। आई एम होपिंग कि आप सारे बच्चे इसको प्रॉपर आंसर दे पाओगे, तो बड़ी खुशी होगी, है ना? तो कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर ही लेते हैं जब बैठे हुए हैं, तो 10 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलेगा? हाँ जी, बोलो बच्चों, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलेगा, जल्दी से बता दो। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, बालक को, बालिका को? स्टार्ट कर लें एमसीक्यूज के फॉर्म में चीजें, यस और नो, जल्दी से बताएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, है ना? शुरू करते हैं, बस 1 सेकंड, शुरू करते हैं सिस्टमैटिक। अच्छा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा ढंग से अच्छे से कर तभी मजा आता है, दिखेगा, ठीक है ना? मजा तभी आएगा जब इसको ढंग से करो, वरना तो चीजें चल ही रही हैं ना, काम चलाना तो है नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ईमानदारी से बढ़िया से करना तो ही मजा आएगा। चलो बच्चों, सिंपल और आसान शब्दों में चीजें पूछी जाती। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओगे? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ट्रांसजेनिक प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीएम आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग डिजायर्ड जीन इन प्लाज्मा। आंसर विल बी इक्वल आई, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं, मान सकते हैं अपनी बात, यस और नो, राइट? हाँ जी, इतनी बातें ठीक हैं। ये मुझे इसका, तुम लोगों के एक्चुअली चार्ट नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन छोटा सा सीधा सा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, जल्दी से बताएं। थेरापेटिक्स है, जीएम क्रॉप है, बायो रेमेडिएशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, सारे तो हैं एक तरह से, गोल्डन राइस एग्जैक्टली क्या है अगर आपको आइडिया है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट, दोनों बातें एक ही है। मैंने आपको यूज ऑफ जीएमओ बताना है, कुछ यूज ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, सारी चीजें बना सकते हैं। ह्यूमिलिन एग्जैक्टली क्या है बच्चों? ह्यूमिलिन की बातें करें तो ह्यूमिलिन क्या था? क्लियर है? क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, क्वेश्चन नंबर 6।
प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुमको सिर्फ क्विक दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वाला, सॉल्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, राइट, कोल्ड स्ट्रेस, ये सब चीजें कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी में, तो जेनेटिक जो पढ़ा है सिर्फ उसी के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें दिखाऊं कुछ मजेदार चीज दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पी वाई क्यूज दिखाऊंगा कुछ जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन तुम लोग करना तुम्हारे सामने ही रहेंगे, है ना। अब जैसे क्राई प्रोटीन किससे ऑप्टेन होता है, छोटा सा क्वेश्चन, सबको पता है बैसल, सुन सीधा सा है ना, सीधा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तुमको ये लगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, बड़े छोटे से हैं, थोड़े से क्वेश्चन हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बीटी कॉटन 2020 का क्वेश्चन, बीटी कॉटन वैरायटी दैट डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, ये एक इंसेक्ट प्लांट से रेजिस्टेंट है। दूसरा, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन बैसिलस थुरिंजियोसिस, एल्कलाइन पीएच सबको पता है, उसके अगले साल भी आया है ना 2019 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गोल्डन राइस के बारे में देखो दोबारा पूछ लिया, विटामिन ए एनरिच्ड है, बात समझ पा, तो डेफोडिल से जीन निकाल रहे, आरएनएआई की बात कर रहे हैं अगर तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं, उससे वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो बार बार पूछे गए, विच पार्ट ऑफ टोबैको इज इन्फेक्टेड, तो मेलाडोजिन इनकॉग्निटा की बातें हमने की थी रूट्स के अंदर, तो जो क्वेश्चन पढ़ाया वो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और हर साल ऐसा, आप पुराने वीडियोस देख लो, पिछले 3 सालों के 2.5 सालों की वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई, आप सर्च कर लो, आप टॉपिक्स नाम लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, मेरा नाम आगे लिखो, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, और एक नहीं 3-3 वीडियोस मिलेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे करो। गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस, सबको पता है विटामिन, छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। In BT cotton, BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to question number 7 की बात। Alkali, क्या ये question repeat हुआ है? सबको पता है repeat। छोटे-छोटे से questions हैं, आप आसानी से कर लो। Crop engineer to glycophosphate resistant tolerant to question number 8 की बात है कर। हाँ ये थोड़ा सा आपको confuse हो सकता है। Which of the following BT आपके syllabus में नहीं direct तो आप उसको confuse कर सकते हो। Which of the following BT crop is being grown in Indian farm? Question number 9 की बात है। Cotton की बात हो गई, RNA interference पर फिर से question आया हुआ है, right? तो complementary double stranded RNA की बात हो गई। ऐसे questions हैं सारे, यही हैं। देखो consumption of which of the following food can prevent the kind of blindness associated with? सबको पता है, हाँ जी golden rice, right? Question number 12. टोबैको प्लांट में आरएनएआई टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो इसका मतलब सेंस एंड एंटी सेंस। 13th की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड फॉर डेवलपिंग द प्लांट रेजिस्टेंट 13th द नेमाटोडा, वही सेम चीज घुमा घुमा के पूछी गई। ये देखो दो क्वेश्चन और करो, बीटी के बारे में पूछा हुआ है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट लाइन क्या है भाई सब जरा ध्यान से। They bind with epithelial cell of midgut of insect, जिसकी वजह से वो 15th की बात करो भाई साहब, अगेन नेमाटोडा पर क्वेश्चन है, that's it, वही चीज घुमा घुमा के आप लोगों से पूछेंगे और आप परेशान होते, इतना कुछ भी नहीं। तो कल जो कुछ भी बची कुछ कसर है उसको निकालेंगे और इसको बाकी, ठीक है। तो पढ़ते रहो उसी तरह से, रिवाइज करो, पॉसिबिलिटीज बनाओ और काम बन जाएगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आप किसी तरह की हेल्प चाहिए, अन अकेडमी का ही नंबर है, ठीक है, तो ऑफिस में ही रहता है, वहाँ पर मेरे उस बिहाफ पर, साथ में अन अकेडमी पर 34-36% तक भी ऑफ मिल रहा है। यू हैव टू यूज द कोड ईटी सर, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, यूट्यूब पर सब कुछ है, बट थोड़ा सा डाउट तो और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है, डन करें, गुड नाइट करें, बस यही छोटा सा था, बाकी का पार्ट, ठीक है, बाकी का पार्ट करते हैं, वीडियो लाइक कर दिया जरूर से, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए।
है ना, कोई हेल्प चाहिए जरूर बताओ। मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम खुद भी कर लोगे, तुम्हारे पास बहुत से लोग। एंड यस, असली प्रैक्टिस कब होती है पता है ना, तो दोपहर में 3 बजे।